शहर में तेज आंधी और बारिश से बिजली का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासर। बारिश के बायस लेस्को के 322 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने से दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतहद इलाके अंधेरे में डूब गए। इकबाल डाउन, समनाबाद, सब्जाजार, कैंट, गुलबर्ग, गढ़ी शाऊ समेत शुमाली लाहौर के इलाकों में बिजली बंद। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। बजट का हजम 53 खरब 90 अरब रुपए होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। वफाक से पंजाब को 3,700 अरब रुपए मिलने का इम्कान। पंजाब में महसूलात का हदफ 1,027 अरब रुपए होगा। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शिजाल रहमान का कहना है, पंजाब का आइंदा माली साल का बजट टैक्स फ्री होगा। फाइनेंस बिल में कोई खुफिया टैक्स नहीं होगा। किसानों के लिए 400 अरब रुपये का पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज में स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला। स्पेशल अफराद का वजीफा 6,000 से 7,500 रुपए कर दिया गया। 30,000 स्पेशल अफराद को 3 साल तक माहाना 7,500 रुपए वजीफा मिलेगा। वज़ीर-ए-आला की व्हील चेयर के लिए आगाही मुहिम चलाने की हदायत। स्पेशल अफराद को दूसरे मरहले में 14 किस्म के मावन आलात भी दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। बिजली चोरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लेस्को समेत 5 बिजली तकसीम कार कंपनियों में मुतालिक रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आला ने बिजली चोरी से मुतालिक मजीद मुस्तंद डेटा और जामिया रिपोर्ट तलब कर ली। पीपल्स पार्टी का फिलहाल काबीना में शामिल ना होने का फैसला। बजट से पहले सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो इस जमन में फैसला करेंगे। हमें तख्ते लाहौर के किसी वायसराय के ताबे बनाकर चलाया ना जाए। हमें अपनी जात के लिए कोई वजारत नहीं चाहिए। पार्लियामानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी की पंजाब असम्बली के बाहर गुफ्तगु। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। गन्ने के काश्तकारों को शुगर मिल्स की जानब से वाजिबात की अदम अदायगी मामला ज़ेर बहस लाया। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा, सिर्फ 12 रुपये की अदायगी बाकी है। बानी पीटीआई की साइफर केस में बरियत पर अपोजिशन अरकान ने ऐवान में खुशी का इजहार किया। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बैरूनी सरमायाकारी से मुल्की मईशत बेहतर होगी। चाहता हूँ हर एक के लिए इंसाफ यकसा होना चाहिए। कानून की हुक्मरानी से मुल्की अमन मुमकिन है। हमूदुलरहमान कमीशन रिपोर्ट सबको सबक सीखना चाहिए। साबिक सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगु। इदारे मुआशी बहरान का शिकार या मुलाजमीन का मुआशी कतल। LDA में काम करने वाले 700 डेली वेजेस मुलाजमीन 2 मार्च से तनख्वाहों से महरूम। ईद उल अज़हा से कबल अफसरान और रेगुलर मुलाजमीन को अलाउंस के साथ तनख्वाहें दे दी गई, मगर कच्चे मुलाजमीन को बजट पास का बहाना बनाकर टाल दिया गया। हाई कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। बताया जाए गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों हो रही है। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने अजहर सदीक एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। पाकिस्तानी ट्रैफिक इंजीनियर्स शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर करने से कासिर। शहर में ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक बार फिर जापानी कंपनी जायका की मदद लेने का फैसला। टीपा की जानब से जायका कंपनी को ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए मधु किया जाएगा। जायका 3.5 अरब रुपये की लागत से शहर में ट्रैफिक निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए स्टडी और मॉडल सड़क बनाएगी। रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की दरख्वास्त गुजार के वकील को तैयारी करके दलाइल देने की हदायत। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी।
ट्रेन मुसाफिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के सुमरात से महरूम। महकमे रेलवे को रोजाना की बुनियाद पर 75,46,000 रुपए की बचत। कराची, रावलपिंडी, पेशावर और क्वेटा समेत दीगर शहरों के मुसाफिर रिलीफ से महरूम। रेलवे मुसाफिरों ने ईद से कबल तवील सफर में भी रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। मियारी ज़रई अद्वियात कंट्रोल रेट पर फरहमी। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए सहूलत सेंटर्स कायम करने का फैसला। हम तहसील में किसान सहूलत सेंटर 15 जून से फाल होगा। चीफ सेक्रेटरी का ईद से कबल मवेशियों के गैर कानूनी सेल पॉइंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का भी हुक्म। खसूसी स्क्वाड तश्कील देने की हदायत। लाहौर के सरकारी स्कूल्स नॉन सैलरी बजट से महरूम। महकमे की मंजूरी के बावजूद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने फंड्स जारी ना किए। फंड्स ना मिलने पर स्कूलों के सरबराहान परेशान। बिलों की अदम अदायगी पर 4 स्कूलों की बिजली कनेक्शंस मुनकता कर दिए गए।